से हमारा डेट स्टार्ट है, तो जी चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आज काम हो रहा है। देखेंगे ये सारी ईंटें वगैरह उसने साफ कर दी है जो करनी थी, और जो ये है ये यहाँ पे जी ब्रेकर लगे हुए थे यहाँ पर, तो अब ये हम सारे उतार दिए हैं, कट कर दिए हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे हिल्ट्री मशीन चल रही है, हिल्ट्री सुराख करती है ज़मीन में, तो उससे ये था कि कहीं पे करंट वगैरह ना आ रहा हो, कहीं से वायर ना कोई, इसलिए सारी तारें वगैरह काट दी गई हैं यहाँ से, और अब करंट का कोई कनेक्शन नहीं यहाँ पे, और बस एक ये जो है एक इस साकेट दे दी गई है जिससे मतलब इन दो तारों में ही करंट आ रहा है, तो इससे यह कि अब लेबर इजीली काम कर सकती है। तो ये मैं आपको ले चलता हूँ, आज उन्होंने दूसरी साइड में भी जो है ये निकाल दी है, वहाँ चलते हैं। हिल्ट्री चलेगी, करो चलेगी हिल्ट्री, बस ये अब दूसरी साइड से जो है हमने से तोड़ रहे हैं जी, ये है जी बुजुर्गा दीवारी ली पई है ध्यान ला ना दीवारी तले आ यार, ये जो है ना ये इसको इसी तरह ही यहाँ से भी दीवार देना, दीवार को तोड़ के इसी तरह ही खुदाई करना चाह रहे हैं, ताकि जो है यहाँ पर नींव इसकी उठाई जा सके। आप देखें कितनी जोर से ये बदान कर रहा है, बदान मीन्स के यहाँ तोड़ा कि पूरी दीवार कांपती है। चुगाठा बचा नहीं है जाया यार। हम जान रहे थे कि दरवाजे की चौखटें हैं ना, मतलब ये जो सपोर्टें बनी हुई साइड पे, ये इसी तरह ही एज इट इज निकाल ली जाएं, ताकि इसको हम अगर सेलआउट भी करें स्क्रैप में तो कोई अच्छा रेट मिल जाए। उस्ताद कह रहा है कि ये कोशिश करेंगे निकल आए, लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि ये जब
जोर से इसको हिट होता है तो ये जो है टेढ़ी होती है, ख़राब हो जाती है। आज के दिन में इन्होंने यार ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रास्ता निकाला और ये अब पाइप काट रहे हैं। एक्चुअली के इसमें जो है ईंटे वगैरह बच जाएं तो हिल्ट्री के बाहर हम फिर ये हथौड़े से भी काम करते हैं ताकि ईंटे इजीली निकल जाएं यहाँ से। अच्छा यार, जब भी खुदाई कर रहे थे तो बीच में एक सेंट्री का पाइप आ गया था, वो लड़का जो है उसको काट रहा है कटर के साथ ताकि खुदाई में कोई मसला ना। दूसरे कमरे में जो हिल्ट्री चलने लगी है भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये नीये खोलते हैं तो अंदर से ना ये रेड टाइप निकलती है, इसे बसू कहते हैं। जब ये बसू इसलिए डाला जाता है ताकि फरश पर अगर पानी वगैरह डाल जाए तो वो अंदर से खुद ब खुद उसको जज़ब कर लेता है। तो ये इसी तरह हमने आप देख सकते हैं, चोर जो है लाइन भी करती है, जो दीवारें बीच में आ रही थी वो काट दी है।